एक पैन में डालेंगे फुल फैट 3 कप्स ऑफ मिल्क। मिल्क के बाद ऐड करेंगे इसमें 1 कटोरी सूजी। और सूजी ऐड करने के बाद हम इसको चलाएंगे 1 मिनट के लिए। ये प्रोसीजर आप सारा जो है सिम गैस पे ही करेंगे। सूजी के बाद ऐड करेंगे 1 कप शुगर और अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए लगातार हम इसी तरीके से चलाएंगे। 3-4 मिनट चलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे सैफ्रॉन स्ट्रैंड्स और अब लगातार इसको हम चलाते जाएंगे जब तक कि हमारा जो मिक्सचर है वो थिक ना हो जाए। 2-3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, जो मिक्सचर है वो ऑलरेडी थिक होना स्टार्ट हो गया, आप चेक कर सकते हैं। और लगातार हम इसको और सिम गैस पे 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाएंगे। लगातार चलाना जरूरी है वरना जो मिक्सचर है हमारा वो नीचे कढ़ाई में लग जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। और अब इसको 2 मिनट के लिए हम और इसी तरीके से चलाएंगे। मिक्सचर अच्छे से थिक हो गया है और अब एक हम परात लेंगे, उसको उल्टा करेंगे और अच्छे से इस पे देसी घी जो है वो स्प्रेड कर देंगे जिससे कि जो हमारी बर्फी है वो इस पे चिपके ना। देसी घी लगाने के बाद जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हम अच्छे से इस परात पे प्लेस कर देंगे इस तरीके से। सारा मिक्सचर आप एक साथ डाल लें। सारा मिक्सचर इसके ऊपर हमने डाल लिया है और अब इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा कार्डमम पाउडर इस तरह से और साथ ही साथ कटे हुए बादाम। और अब नाइफ की हेल्प से हम इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे या कोई सी भी शेप जो आपको पसंद हो इस तरह से। मैंने इनको अच्छे से कट कर लिया है और अब इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। बर्फी के पीसेस को कट करके मैंने प्लेट में प्लेस कर लिया है। देखिए इस तरीके से बढ़िया बर्फी हमारी तैयार है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ मेरी और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल कुक इजी विद साक्षी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। अपने कमेंट्स, फीडबैक सजेशन और स्पेशल रिक्वेस्ट भी हमारे साथ शेयर कीजिए। टिल देन हैप्पी कुकिंग।